ये दोनों कंपनी अब मिलकर लाएगी 5G। इंडिया न्यूज 7 अक्टूबर 2017। एयरटेल एंड नोकिया। फिनलैंड की टेलीकॉम डिवाइस मेकर कंपनी नोकिया और भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल ने बुधवार को इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सक्षम डिवाइसों के लिए 5G तकनीक के नेटवर्क के विकास के लिए रणनीतिक भागीदारी की घोषणा की। भारतीय एयरटेल के निदेशक नेटवर्क सेवाएं भारत और दक्षिण एशिया अभय सावरगांवकर ने एक बयान में कहा, 5G और IoT एप्लीकेशन में जीवन को बदलने की जबरदस्त क्षमता है और हमें नोकिया के साथ मिलकर भविष्य की इन तकनीकों को ग्राहकों तक पहुंचाने की तैयारी करते हुए काफी खुशी हो रही है। 5G तकनीक ऐसी व्यस्त समय में बहुत तेज गति ऐसी डेटा मुहैया कराई जा सकती है, साथ ही यह नेटवर्क की लेटेसी और तेजी को बढ़ाएगा। इसके अलावा यह नेटवर्क को अलग अलग करने में भी सक्षम बनाएगा। इससे ऑपरेटरों को करोड़ों ग्राहकों को नेटवर्क ऐसी जोड़ने में मदद मिलेगी। नोकिया के भारतीय बाजार प्रमुख संजय मलिक ने बताया, भारतीय एयरटेल के साथ 2G 3G और 4G तकनीक को मुहैया कराने की सफल साझेदारी के बाद हम गर्व ऐसी भविष्य के नेटवर्क को तैयार करने की साझेदारी की घोषणा करते हैं। हम 5G ऐसी जुड़ी औद्योगिक परियोजनाओं और सहभागिता के अपने वैश्विक अनुभव ऐसी भारतीय एयरटेल को उनके नेटवर्क के बेहतर क्षमता कवरेज और गति प्रदान करे में सक्षम बनाएंगे। दूरसंचार सचिव JS दीपक ने स्पेन के बार्सिलोना में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश में 5G नेटवर्क का तेजी ऐसी विस्तार हो।